हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ संकेत एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस भी देख ली होगी। वीडियोस कैसे लगे बताना कमेंट सेक्शन में। और आज की जो जर्नी है वो होगी रेकोंगपियो से काजा तक की, जिसका डिस्टेंस है अप्रॉक्स 200 किलोमीटर्स और GPS आंटी बताते हैं कुछ 5 आवर्स की जर्नी, बट हमने इस रूट को पूरा किया 10 आवर्स में। क्यों वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा जैसे जैसे वीडियो ख़त्म होगी। और हाँ, आज से नेक्स्ट 4-5 डेज में आई एम ट्रैवलिंग विथ माई न्यू फ्रेंड्स जो कि मुझे कल्पा में मिले थे और जिसकी स्टोरी मैंने लास्ट वीडियो में शेयर की है। सो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो गो वॉच राइट नाउ और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेकोंगपियो से काजा का जो रास्ता है दैट इज़ सेट टू बी वन ऑफ द मोस्ट ट्रेचरस रोड्स इन द वर्ल्ड। मैंने ऑलमोस्ट हर रास्ते अपने GoPro से शूट किए बट अनफॉर्चुनेटली सारे आपको नहीं दिखा पाऊंगा वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बट यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम पेज वेर आई हैव पोस्टेड फ्यू पिक्चर्स। बाय द वे, मैं अभी अकेला हूँ बिकॉज जो लोग मुझे ज्वाइन करने वाले थे उन लोग को थोड़ा सा टाइम लग गया निकलने में। सो आई थॉट आई विल मीट देम एट द नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर एंड प्लान आउट हाउ टू कंटिन्यू फर्दर जर्नी। लुक एट द पैच मैन, द कंडीशंस ऑफ द रोड्स आर रियली बैड। आई मीन फिर भी 20 पे चल रही है पर टार रोड नहीं है, होनी चाहिए, फटाफट पहुंच जाते हैं। पर फटाफट पहुंच के भी करना क्या है अगर इस टाइप का एडवेंचर नहीं किया लाइफ में तो क्या किया। बहुत मस्त पैच है, बहुत मस्त, मतलब मज़ा आ रही है मुझे पैच करने में। बस ऊपर से पत्थर ना गिर जाए मेरे पे, बहुत बहुत डर लग रहा है। ये देखो वहाँ से अब बस भी आ रही है, नीचे देखो पानी जा रहा है। भाई साहब आराम से पहले ही साइड हो जाते हैं हम। मैं जैसे ही रेकोंगपियो से निकला एक बस वाला एकदम मेरे साइड से आगे से लेके गया, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बस वाला ऐसे गया पूरा मेरे को तो एक बार के लगा कि मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगा भाई। ये तो फुल ग्रेवल है भाई साहब, पूरा रास्ता जो है पिलो इज जस्ट 2 किलोमीटर्स। आई वॉन्ट टू रिफिल माई टैंक, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अब, पेट्रोल नहीं मिला तो। यार मैंने रेकोंगपियो में क्यों नहीं भरवाया यार, सच अब क्या बोलूँ अभी, मैं बेकार काम हो गया। आई होप ये चली जाए यार, मतलब थोड़ा तो यार अभी हाफ टैंक तो है वैसे, पर कितना किलोमीटर है, 161, नहीं जा पाएगी। देखो आप लोग व्यू देखो, ओके सो आई हैव लेफ्ट स्पीलो एंड आई हैव रिफ्यूल्ड माय टैंक आल्सो, सो नाउ आई एम ऑल गुड टू गो। आई हैव कवर्ड अराउंड 5 or 6 kilometers फ्रॉम स्पीलो नाउ एंड द वैली लुक्स सो ब्यूटिफुल मैन। There are three guys on 2 bikes. One is his name is I don't remember the name of this guy. One is Vinay, one is Surya, and yes, this guy's name is Akhil. Hey, Vinay Road. वो भी रोड्स का अलग मजा है।
शायद एक घंटा जैसा तो हो गया होगा निकले हुए। मैंने फ़ोन अंदर रख दिया क्योंकि GPS का अब कोई मतलब नहीं है, बिकॉज़ मैं इन लोगों के साथ ही जा रहा हूँ, इन लोग को रास्ता पता है। You said now you want to have your lunch in Nako. Yeah, we go to Nako now. This is Nako. This is not Nako. कितने दूर है यहाँ से? इधर नाको। इधर whatever you say, guys. We'll go to the lake to see that and then Nako. आड़ी को अक्सर lake there हम restaurant चुनते हैं। Lake के पास क्या क्या है? यंदोर वाले पास। Okay, so we had our lunch at Nako village hotel and now we are leaving towards Jankar village and also Nako lake. So we'll be reaching Kaza a bit late in the evening because we want to do both of them. So roads are pretty nice. Abhi tak to there is no issue by God's grace. इतना ज़बरदस्त एलिवेशन है। मैं क्या रिकॉर्ड करूं? ना बैटरी है ना मेमोरी कार्ड में इतनी स्पेस होगी, और ये जगह इतनी, द वैली सो ब्यूटीफुल कि आई एम स्पीचलेस यार, कैसे हो सकती है ऐसी दुनिया। ओह माय गुडनेस, ऊपर बाप रे। But you never do. Sugar, there's a reason.
Yes, so guys, kaisi lagi aapko ye puri journey? And let me tell you that the camera won't justify what actually I want to show you, the beauty of this place. Aur adventures lovers ke liye to ye ek perfect travel destination hai. By the way, is pure route mein aapko na dhaba milega, na any repair service. Suppose aapki vehicle mein koi bhi problem aa gayi to bahut mushkil hai use sahi karane ki. Mujhe bhi kahin na kahin dar tha, but I was traveling with my fellow riders, so I was a bit relieved. On the way, हम जब काजा पहुँच रहे थे तो मुझे और अखिल को चाय पीने की इच्छा हो गई, तो हम रुक गए और सूर्या विनय आगे निकल गए. चाय पीने के बाद मैं और अखिल काजा के लिए निकले. तो तब तक ऑलमोस्ट 6:30 हो चुके थे. वी एंटर्ड काजा एंड देन वी स्टार्टेड सर्चिंग सूर्या एंड विनय, बट कुडंट फाइंड देम. काजा वैसे तो बहुत ही छोटा सा विलेज है, बट हम हाफ एन आवर से उन्हें वहीं ढूंढ रहे थे. वी वर लाइक कि वो दोनों को हम वो हमसे पहले पहुँचना जाना चाहिए था, बट वो लोग यहाँ नहीं है तो कहाँ चले गए. आधा घंटा हुआ, एक घंटा हुआ, हम फ़ोन ट्राई किए जा रहे हैं, फ़ोन लग नहीं रहा. क्या करें, कहाँ ढूंढे, कुछ समझ नहीं आ रहा था. हम काजा की एंट्री पे कब से खड़े हैं टेंशन में कि वो दोनों आखिर गए तो गए कहाँ. बट थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली 8 बजे वो दोनों भाई साहब दिखे. उनसे पूछा कि कहाँ खो गए थे, तो बोले कि हमने ढंकर विलेज वाला रास्ता पकड़ लिया, किसी ने उनको गलत रास्ता बता दिया होगा या उनको समझने में गलती हो गई होगी. सो एनीवे डोंट नो क्या हुआ होगा, बट सो फार सब अच्छा हो गया और फाइनली हमने होटल में चेक इन किया. बाय द वे, मैं अभिनय, अखिल और सूर्या को अपने वीडियो में नहीं ले पाया. रीज़न बीइंग आई वाज टू शाई टू व्लॉग विद देम, और मेरे व्लॉगिंग के कुछ शुरुआत के दिन थे, तो आई थॉट विल आई बी एबल टू व्लॉग प्रॉपरली विद देम और कहीं मेरा पोपट ना हो जाए. सो एनीवे, आई एम एंडिंग द वीडियो ओवर हियर. और यार, वीडियो को जाते जाते लाइक करते जाना. येस, आई नो वीडियोज़ काफ़ी लेट आ रही है, बट आई विल ट्राई बींग कंसिस्टेंट और फोर्थ पार्ट भी जल्दी आएगी. टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय बाय. You say you wanna try, but you never do.